हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए रिव्यू कर रहे हैं कैंपस के इस खूबसूरत रेड रनिंग शूज़, जो कि है कैंपस स्टील आई कैप्सूल, जो कि एक खूबसूरत रनिंग शूज़ है। हम इसका ओवरऑल रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्या आप लोगों को ये शूज़ लेना चाहिए, क्या ये एक बेस्ट शूज़ है, ये आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइज़, मेरा नाम है दोरजे और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल शूज़ फॉर यू में, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए करते हैं हर तरह के शूज़ का, हर कैटेगरी में उनका रिव्यू और उनका अनबॉक्सिंग, और साथ ही हम अब आप लोगों के लिए लेके आते हैं आप लोगों के बजट और हर प्राइस में आने वाले बेस्ट शूज़ का कलेक्शन, जिसके द्वारा आप लोगों को मिलता है बेस्ट कलेक्शन आप लोगों के हिसाब से। तो साथ ही आप लोग दूर कर सकते हैं हमारे वीडियो से अपने कन्फ्यूजन को और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज कर रहे हैं हम रिव्यू आप लोगों के सामने कैंपस के इस शूज़ का। शूज़ की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका सोल का जो मटेरियल है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टिका हुआ है। जैसे कि कैंपस दावा करता है कि ये वाटरप्रूफ है, ये काफ़ी हद तक पानी में उतनी जल्दी भीगता नहीं है। मैंने ये शूज़ तकरीबन दो या तीन महीने पहले ऑनलाइन से लिया था, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला इन्हें पहनने का। तो जैसे ही अभी टाइम मिल रहा है तो मैं इसे पहन के बाहर भी जा रहा हूँ और बीच पे भी जाता हूँ, रोड पे भी चलता हूँ और जगह भी मैं इस शूज़ को यूज़ कर चुका हूँ। तो ओवरऑल शूज़ काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं दिखने में भी काफ़ी अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। स्टिचिंग बहुत अच्छी की गई है इसमें और ओवरऑल शूज़ जो है काफ़ी अच्छा है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इससे पहले कि आप लोग इस शूज़ को परचेज़ करें, इस शूज़ के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन ले लें। और शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल है। तो गाइस, 2 से 2.5 महीने के यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को इस शूज़ को रिकमेंड करूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 की रेटिंग के साथ, क्योंकि मैंने इस शूज़ को 2 से 2.5 महीने यूज़ किया है। शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी लाइट वेट है, इसी हिसाब से मैंने इसे 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 दिया है। तो मैं इस पे आप लोगों को इस शूज़ को ख़रीदने के लिए रेकमेंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 स्टार दूंगा इसके अच्छे बिल्ड क्वालिटी के लिए, जो कि इसमें बहुत अच्छी तरह से किया गया है, स्टिचिंग बहुत अच्छी से की गई है। और 1 स्टार दूंगा इसके ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के लिए, और 1 स्टार दूंगा मैं इसके कंफर्ट लेवल के लिए, और 0.5 स्टार दूंगा मैं इसके लाइट वेट के लिए। अगर इसमें से बात करें माइनस स्टार्स की, तो मैं इसका 1 स्टार काटूंगा इसके लो मटेरियल के लिए, जो कि लो क्वालिटी के, थोड़े से लो क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है उसके लिए, और 0.5 स्टार काटूंगा मैं इसके फ्रंट के इस डिज़ाइन के लिए, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। अगर इसकी जगह पे नेट यूज़ किया गया होता तो ये शूज़ बहुत ही बेहतर होता, मैं इस शूज़ को 4 स्टार देता। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये रेटिंग पसंद आई होगी, ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।